हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है और गाजर का हलवा गर्मा गर्म हम सबको पसंद है। ये बहुत कम इन्ग्रीडियंट से बनने वाला रेसिपी है और इसे हम बहुत ईजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने गाजर लिए हैं 1/2 किलो और गाजर को हम पहले से धो लिए हैं। तो चलिए अब हम गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए, हम एक गाजर लिए हैं, अब इसका हम ऊपर का कट कर लिए हैं भाग। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं है कद्दूकस करने के लिए तो आप इसे छोटे छोटे पीसेस में भी काट के आप इसे मिक्सर ग्राइंड में पीस सकते हैं और इससे भी अच्छा गाजर का हलवा बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। तो इसी तरह बाकी सब हम गाजर को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ सारे गाजर को कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने मन पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम चीनी लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं चीनी। और यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल दूध लिया है। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। तो देखिए, हमने लो फ्लेम पर रख दिए थे कढ़ाई को गर्म करने के लिए। अब कद्दूकस किया हुआ इसमें हम गाजर डालते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग, जब हम कद्दूकस किया हुआ इसमें गाजर डाले हैं कढ़ाई में, तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और इसे हम डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे हम 2-3 मिनट ढककर अच्छी तरह से लो फ्लेम पर हम पका लेंगे, जिससे कि गाजर अच्छी तरह से पक जाएगा। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध लिए हैं, अब इसको हम गर्म कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमने दूध को गर्म कर लिया है। तो चलिए अब हम ढक्कन को हटाते हैं और देखते हैं हम गाजर को अच्छी तरह से चला के। तो देखिए, गाजर हमारी अच्छी तरह से पक चुका है। गाजर का हलवा ज़्यादा देर नहीं लगेगा पकने में। ये बहुत ही झटपट बनने वाला रेसिपी है, क्योंकि हमने पहले ही 2-3 मिनट लो फ्लेम पर रख कर अच्छी तरह से कुक कर लिए थे। तो यहाँ पर अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से गाजर का हलवा में स्वाद और बढ़ जाता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसके जगह रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम दूध को डालेंगे। तो दूध को हमने पहले से गर्म कर लिए थे। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध है तो वो भी डाल सकते हैं। गाजर का हलवा में दूध जब तक सोख नहीं लेता, इसे हम अच्छी तरह से ढक कर पका लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, गाजर का हलवा में दूध अच्छी तरह से सोख लिया है। अब इसमें हम चीनी को डालेंगे और चीनी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गाजर के हलवा में हम चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर हम अच्छी तरह से पका लेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इसमें हम ढक देते हैं ढक्कन को और इसे हम देखते हैं। देखिए, हमारा अच्छी तरह से पक गया है। तो देखिए दोस्तों, गाजर का हलवा में अभी भी पानी है, तो हम इसे अभी ड्राई करेंगे। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमें हाई फ्लेम पर पका लेना है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और इसे भी डालकर हम 2-3 मिनट तक पका लेंगे। हमें हाई फ्लेम पर ही रख कर इसे अच्छी तरह से ड्राई करना है। तो देखिए, गाजर का हलवा हमारी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। गाजर का हलवा खाने में टेस्टी और हेल्दी भी होता है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।